ఇది మందాకిని మందాకిని నది ఇక్కడ ఒకటి రాముల వారు ఇక్కడ కూర్చునేవారిని ఈ స్ఫటిక శిల మీద రాముల వారు కూర్చునేవారు ఈ మందాకిని ఒకటిని చూసుకున్నా आइए सर जी यहीं पे आ जाइए उजाले में बैठिए। हाँ महत्व हम भी बैठ सकते हैं। हाँ हाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठिए ना ऐसे इस साइड। राम जी ने बैठे ना। हाँ भगवान राम बैठे थे, आप भी बैठ सकते हैं, बैठने का ही यहाँ बहुत बड़ा महत्व। बैठिए आप लोग आराम से आ रहे हैं, ऊपर आ जाइए। आप ऊपर निकल के ले लीजिए फोटो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर निकल थोड़े माँ जी पीछे करके मंदिर की तरफ। अट मंदिर बंद कर। आप ऐसे ऊपर आइए ना इस साइड से, इधर से इधर से आइए। आप ऊपर निकल धीरे धीरे, आप ये साइड आ जाइए, यहाँ अच्छा आ जाइए। ओके आपका बोझ भी आ जाएगा इधर का, बैठ जाइए, पूरी तरह की बातें बना लीजिए। वहाँ नहीं सर जी, यहाँ आ जाइए। अच्छा अच्छा आप मेन जगह। ओके ओके उसी को तो आप देखने। अच्छा अच्छा ओके ओके बाकी लोग क्या देखेंगे। इधर एक मुकरी हमारे तरफ। हां ये चरण चिन्ह ना इधर प्रॉब्लम से। ये राम का चरण जी, राम जी चरण बैठिए। भगवान की जय। कहा भगवान रामचंद्र जी एक तिनके का बाण मारे, कौवा तीनों लोकों में गया लेकिन कोई शरण नहीं। वह दोबारा आया शरणागत हुआ, माफी मांगा तो भगवान राम जयंत कौवा की एक आंख को फोड़ देते, तब से सारे कौवा एक आंख के होते। ये भगवान राम जी का चरण, ये घुटना और ये अंगूठा। वहां पर राम जी बैठे थे, यहाँ सीता जी बैठी थी, ये सीता जी का चरण। पीछे लक्ष्मण शिला, ऊपर मंदिर है। सामने यहाँ पर यज्ञशाला में हर साल 7 दिन यहाँ पर महाविष्णु यज्ञ होता, इतना यहाँ का दर्शन है। अब आप प्रेम से परिक्रमा लगा लीजिए, खुशी से बन जाए तो यज्ञ में दान कर लीजिए, नहीं बने तो कोई बात नहीं, प्रणाम करिए प्रेम से। लक्ष्मण शिला जी लक्ष्मण शिला ये राम घाट है। ये चप्पल नहीं नहीं राम घाट नदी नदी के मेट और इस साइड पे बना हुआ है। ये एक अन्ना नरेश और एक अन्ना नरेश महाराजा छत्रपाल सिंह जी और ये रीवा नरेश महाराजा मातंग सिंह जी के द्वारा निर्मित है। वो जो सफेद कलर का सबसे ऊंचा मंदिर दिख रहा है इस साइड पे, हाँ। वो भगवान राम का पर्णकुटी मंदिर है। उसी के ज्येष्ठ बाजू में जो हल्का नीचे दिख रहा है वो यज्ञ वेदी मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने 108 कुंडी यज्ञ किया था। जहाँ पर वो पेड़ दिख रहा, झाड़ दिख रहा है, वो झाड़ के बाजू में भरत मंदिर है, जहाँ से भगवान राम की चरण पादुकाएं लेकर के भरत जी अयोध्या गए थे, वो मंदिर है। ये जो
जहाँ पे टावर लगा हुआ है, रेड कलर का मंदिर दिख रहा है, ये मत गजेन्द्रनाथ शिव मंदिर है जिसे अत्रेश्वर महादेव के नाम से शिव महापुराण में इनका लेख आता है। ठीक है, यही वो घाट है जहाँ पर भगवान राम ने 11.5 वर्ष तक स्नान किया और दशरथ जी के पहले पिंडदान भगवान राम ने इसी घाट पे किया था। जहाँ पर वो बड़ा वाला स्ट्रीट लाइट जल रहा है, वो पेड़ दिख रहा झाड़, उसी के नीचे तुलसी चबूतरा है। आज वो मंदिर बना दिया गया, तब वो तुलसी चबूतरा था जहाँ पर तुलसीदास जी ने चंदन घिसा था और भगवान राम का दर्शन हुआ था उनको। तो ये है, फिर इसके बाद इस तरफ आते हैं इस साइड, तो ये जो मंदिर दिख रहा है ये झाड़ के पास ऐसे, ये रत्नेश्वर भवन है जिसे बिजावर के महाराज ने बनवाया था। उसके आगे जाते हैं तो वनवासी राम मंदिर है जहाँ पर भगवान राम यहाँ पर आकर वनवासी वेष धारण किया था। तो ये दो मंदिर इधर हैं और ये चार मंदिर इधर है, ये है पूरा राम घाट। इस राम मतलब राम घाट का ये पूरा मंदिर है और राम घाट का पूरा ये कथा है। बोट से जाने के लिए ये नीचे बोट लगा हुआ है सर जी। अगर बोट से जाते हैं एक आदमी का 100 रुपए लेता है। कहाँ? उधर मैं बता रहा हूँ, एक आदमी का 100 रुपए लेता है, ये सारे मंदिर दोनों साइड का दर्शन कराता है, दर्शन करा के यहीं पे आपको ला के ड्रॉप करता है, तब आपको पैसा लगता है, ऐसा सिस्टम है। दूसरा वो वही हाँ, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, दोनों साइड जाएगा, दिखाएगा, फिर वापस लाएगा, ऐसा है। अगर जाना चाहते हैं नहीं 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 करके वोट मिलेगा, और अगर नहीं जाना चाहते तो थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके आप बहुत अच्छा बता दिए पूरा जी। आरती वो जहाँ पर बड़ा वाला स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, उसके थोड़ा आगे वही है आरती, आरती स्थल। हाँ।